हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक सवाल जो बार बार पूछा जा रहा है मुझसे कि अपने डेटाबेस को पासवर्ड से कैसे प्रोटेक्ट करें, तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। हालांकि ये कोई यूजर आईडी पासवर्ड वाला वीडियो नहीं है कि आपने एक डेटाबेस बनाया और उसे आपने यूजर आईडी और पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर दिया तो आप ही उसका यूज कर पाएंगे, लेकिन शायद ये यूजफुल हो भी सकता है। आई डोंट नो कि यूजफुल होगा कि नहीं होगा, ये तो आप कॉमेंट में बताइएगा। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को मैंने ओपन कर लिया। अब देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन हो रहा है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का 2019 वर्जन यूज कर रहा हूं मैं। यहां पर एक छोटा सा डेटाबेस बना लेते हैं, एक डेमो के लिए एक डेटाबेस क्रिएट कर रहा हूं ताकि उस पर हम पासवर्ड लगा सकें। डेटाबेस ओपन हो चुका है, यहां इसे डिजाइन व्यू पे ले लेते हैं और ये टेबल वन ही रहने देता हूं। यहां पे आईडी आ रही है, यहां पे नेम लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पे स्टेट लिख देता हूं। ये यहां से ओके करता हूं, शॉर्ट टेक्स्ट रखेंगे और यहाँ पे स्टेट करके एक ड्रॉप डाउन सा क्रिएट कर देता हूँ, लाइक इस तरीके से, यहाँ से जा करके और लुकअप विजार्ड पे जा करके, और फिर एक नई विंडो ओपन हो रही है। यहाँ पे आई विल टाइप द वैल्यू दैट आई वांट, यहाँ पे जा करके लिख देता हूँ बिहार। इस तरीके से ये लिख दिया है मैंने नाम, और नाम लिख देने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और फिर यहाँ से इसे फिनिश कर देता हूँ। अब यहाँ से व्यू पे क्लिक करके और फिर इस विंडो पर आते हैं तो यहाँ हमें नेम दिखाई पड़ेगा, तो नेम में मैं लिख देता हूँ राम, और यहाँ पे स्टेट चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन भी दिख रही है, तो जहाँ के ये हैं वो स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख देता हूँ श्याम, और यहाँ पर इनका स्टेट सेलेक्ट करते हैं तो इनका जो भी स्टेट हो वो सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पे अभिषेक, तो इनका स्टेट यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, तो इसी तरह से ये सेलेक्ट करके और यहाँ से इसको सेव कर लेता हूँ, और अब इस विंडो को ही कर देता हूँ क्लोज। और इस डेटाबेस का नाम है डेटाबेस 2321, ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको क्लोज कर देता हूँ। अब क्लोज करने के बाद इसको दोबारा से ओपन करना है, तो यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करता हूँ रन कमांड से, तो इसको ओपन कर लेता हूँ और फिर इसको एक बार सेव एज कर देता हूँ। तो यहाँ से इनेबल कंटेंट इसको करके और फिर फाइल पे जाके और यहाँ से सेव एज करता हूँ ताकि ये डेस्कटॉप पे सेव हो जाए, तो सेव एज पे जा करके और यहाँ से डेस्कटॉप पे इसको सेव करना है। ये डेस्कटॉप है, यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं, तो ये 321 ही रहेगा, ये ओके करेंगे तो ये डेस्कटॉप पे अब सेव हो चुका है। तो अब यहाँ से आप सीधा सीधा डेस्कटॉप पे इसे देख पाएंगे। ये यहाँ से मैं दिखा देता हूं आपको, ये रहा आपका डेटाबेस 321, ये आपका डेटाबेस है इस तरीके से। तो एक्सेस ये ओपन हो गया। अब ओपन करने के बाद यहां पर आपको ओपन दिखाई पड़ेगा, तो ये ओपन पे जाना है और ओपन पर जाने के बाद यहां ब्राउज पे क्लिक करना है और इसको ब्राउज करके जहां पे रखा गया है वहां पे आपको जाना पड़ेगा। तो अभी हमने इसको डेस्कटॉप पे रखा हुआ है तो हमें डेस्कटॉप पे जाना है, तो यहां से डेस्कटॉप पे आते हैं और डेटाबेस ये रहा, और इसको ओपन मत कीजिएगा, यहां से ओपन पे क्लिक करिए और ये देखिए यहां पे दिया हुआ है ओपन एक्सक्लूसिवली, ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं हम। ये हमने ओपन कर लिया, अब हमें कहां जाना है, सीधा जाना है फाइल पे, और फाइल पे जाने के बाद इन्फो पे जाना है। ये जो इन्फो दिखाई पड़ रहा है यहां पर आप आ जाइए। अब यहां पर आ रहा है इनक्रिप्टेड विथ पासवर्ड, ठीक है, तो बस यहां पर आप क्लिक कर दें। ध्यान रहे, मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप डेटाबेस बना रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि आपने पासवर्ड क्या दिया है वो याद रखना है। आप इसे रिकवर अभी तो फिलहाल नहीं कर सकते, ये कठिन है रिकवर करना, तो आप इस पासवर्ड को याद रख ले। तो यहां मैं एक पासवर्ड डाल देता हूं, ठीक है, और इसी को मैं फिर वेरीफाई कर देता हूं इस तरीके से। ये हमने पासवर्ड डाला और इसको वेरीफाई कर दिया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको इस तरह से आपको पासवर्ड डालना चाहिए कि ये पूरी तरह से जो है, मतलब इसमें कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स और सिंबल्स का भी प्रयोग करें। तो चलिए अभी फिलहाल हमने ये कर दिया है, अभी हम क्या करते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। ये देखिए, अब ये देखिए यहां पर ये ओपन हो रहा है लेकिन यहां पर ये मांग रहा है पासवर्ड, ठीक है। चलिए हम कोई रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं, यहां पर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए, नॉट अ वैलिड पासवर्ड, ठीक है। फिर मैं यहां पर एंटर करता हूं, नॉट अ वैलिड पासवर्ड, ठीक है। अब मैं देखिए राइट पासवर्ड डालता हूं और अब एंटर करता हूं तो अब ये ओपन हो जा रहा है। तो ये जरूरी है इसके लिए कि आप पासवर्ड को जरूर याद रखें, अगर पासवर्ड नहीं याद रखेंगे तो ये आप रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।